हेलो दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है, बट कुछ ही लोग अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं। सक्सेस के लिए ज़रूरी है उन हैबिट्स को अपनाना जो वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, और ये हैबिट ही हैं जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन को सक्सेसफुल बना सकती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में से 7 ऐसी हैबिट शेयर करूंगा जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, फर्स्ट प्रोएक्टिव, सेकंड रिएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो सब पहले से ही फिक्स्ड है, या जो कुछ हो रहा है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अगर ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत भी होता है तो इसका सारा दोष वो दूसरों पर डाल देते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं, जैसे कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा क्योंकि बॉस अच्छा नहीं है, उनका किसी से रिलेशन अच्छा नहीं है क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं, और कुछ ना मिले तो वो अपनी किस्मत को ही ब्लेम करते हैं। इन लोगों को लगता है कि चीज़ें कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने एक्शन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। ये लोग किस्मत और हालात को ब्लेम करने के बजाय वो खुद उसे कैसे बेटर कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को ढूंढते हैं और अपने सही एक्शन लेके उसे ठीक भी कर देते हैं। प्रोएक्टिव लोग हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो चेंज कर सकते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें वो चेंज नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मान लीजिए आप किसी फ्यूनरल में गए हो और आप देखते हो कि ये आपकी खुद की बॉडी है और आप मर चुके हो, उस टाइम आप क्या सोचोगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अभी आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो लोग आपको देखकर बोलना पसंद करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे पेरेंट थे या एक अच्छे दोस्त थे, तो क्या आप अभी एक अच्छे पेरेंट या अच्छे दोस्त हो? अगर आप एक ऐसे इंसान की तरह याद रहना चाहते हो जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, तो क्या आप अभी ऐसा कुछ कर रहे हो? तो दोस्तों, आप अपने आप से पूछिए कि आप मरने से पहले क्या क्या अचीव करना चाहते हो, और जितना जल्दी हो सके वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमें वो काम सबसे पहले करने चाहिए जो सबसे ज़रूरी हैं। हम सब लोगों के पास हर रोज़ करने के लिए हज़ारों काम होते हैं, और हम लोग उन कामों को करते रहते हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी देखना, गेम खेलना। इसके बाद हमें लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं है हमारे इंपॉर्टेंट कामों के लिए। ये सबसे कॉमन आदतों में से एक है जो हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट करती है और हमें कभी कुछ अचीव नहीं करने देती है। सो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हर रोज़ वो काम सबसे पहले ख़त्म करो जो आपको गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करे। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। जब दो लोग अपने अलग अलग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है, पर ज़्यादातर लोग लाइफ में ऐसे जीते हैं कि अगर उसका प्रमोशन हो गया तो मेरा नहीं होगा, अगर उसने नई गाड़ी खरीद ली तो वो आगे बढ़ जाएगा। इसे विन लूज या लूज विन सिचुएशन कहते हैं, बट रियलिटी में हमें विन विन सिचुएशन ढूंढनी चाहिए अपने कैरियर और सक्सेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड, डोमिनोज पिज़्ज़ा, इन दोनों ने पेप्सी या कोक के साथ पार्टनरशिप की, और ये बर्गर या पिज़्ज़ा के साथ पेप्सी या कोक का कॉम्बो ऑफर देते हैं कम प्राइस पे, जिसमें दोनों कंपनीज की मार्केटिंग होती है और सेल्स इंक्रीज होती है, जिसमें दोनों कंपनी का फायदा होता है। तो आप भी हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट कीजिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लीजिए आप किसी शॉप पर टीवी लेने जाते हैं, पर वो आपको टीवी के बजाय और प्रोडक्ट दिखाता है और उनके फीचर्स बताता है, तो क्या आप उन प्रोडक्ट को खरीद लोगे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज आपको टीवी चाहिए। तो उस दुकान वाले को पहले समझना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, फिर प्रोडक्ट दिखाने चाहिए। अब हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम किसी को समझने से पहले ही उसे गलत समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स की कॉमन कंप्लेन रहती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। अगर किसी दिन उनके बेटे ने अपना रूम साफ नहीं किया तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि ये लेजीनेस की वजह से है या फिर आजकल वो डिप्रेस है। अगर आप गुस्सा होकर उस लड़के को डांटोगे तो आप दोनों एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले सामने वाले को समझिए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी फीलिंग को समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। जब दो लोग मिलकर किसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें उनका टाइम, मनी, एनर्जी सेव होती है, इसे सिनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग एक पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करते हैं पर दोनों पहुंच नहीं पा रहे, उसके बाद एक पर्सन दूसरे के ऊपर जाके आम तोड़ लेता है बजाय अलग अलग मेहनत करके, जिसमें दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इस टेक्निक का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक लड़का पेड़ काटने की बहुत देर से ट्राई कर रहा था पर वो पेड़ कट नहीं रहा था, इतने में दूसरा आदमी आता है उसे हेल्प करने के लिए।
पर वो पेड़ काटने से पहले आरी की धार तेज करता है जिससे वो पेड़ जल्दी कट जाता है। अब हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हमारी बिजनेस में या कैरियर में एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, उस टाइम हमें अपनी धार तेज करनी चाहिए, मतलब अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सको। ये बातें मैंने आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में से बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।